बच्चे आगे आ जाओ। नेशनल चैंपियनशिप में कितनी देर हो गई आपको क्रिकेट खेलते हुए? सर अभी ये तो दो तीन साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। क्या लक्ष्य लेके जा रहे हैं गोल्ड मेडल के लिए? क्या सर गोल्ड मेडल के लिए पूरा 100% देना है सर। जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट टी आर इंजीनियर चीफ इंजीनियर रिटायर टी आर भगत जी, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के, उन्होंने अभी बच्चों को शाबाशी दी और गुड विशेस दिए कि वो बाहर जाके मेडल लेके आएं और कठुआ की शान बचाएं। और इसी हमारी जो यूथ एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन है, अभी ही मुझे कोई 2 महीने पहले ही लेटर मिली थी इसकी कोऑर्डिनेटर की, जिससे मैं इतनी जल्दी इतने बच्चे नहीं हम कर पाए, क्योंकि ड्यू टू क्या था कि स्कूल बंद थे। हमारी तकरीबन जो लेटर्स हैं स्कूल्स में जाती हैं, तो उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा नहीं हो पाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोलैबोरेशन रिद्धिमा स्पोर्ट्स क्लब की ओर से भी बच्चे कुछ जाने थे वो नहीं जा पाए, नेक्स्ट टाइम हम भेजेंगे। और मीडिया का हम धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों को से हमारी कामना है कि सभी लोग बच्चों को भेजें और थोड़ा सा कठुआ को स्पोर्ट्स की तरफ इनका रुझान बढ़े। और उसके साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, थैंक यू वेरी मच। यूथ एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कुछ स्पोर्ट्स के बच्चे डिफरेंट गेम्स से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, बॉक्सिंग से, ये एक बड़ी गर्व की बात है कि हमारे कठुआ से टोटल जम्मू कश्मीर में 22 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं चैंपियनशिप के लिए, जो कि मथुरा में चैंपियनशिप होने जा रही है। तो उसमें से टोटल 22 में से 12 बच्चे जो हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं, तो ये एक कठुआ की शान है हमारे लिए और हमें सब कठुआ के लोगों को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि इसी तरह से बच्चे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ से निकलते रहें। और आप देखो ये खेलो इंडिया के मुताबिक हमारे प्रधानमंत्री जी इसको कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं और कितना प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। और मैं बच्चों को ये कहता हूँ,
कि जो गेम जो है, गेम से ही बच्चों का इज्जत बढ़ती है, उनका मान सम्मान बढ़ता है। आपने देखा पिछले दिनों जब ओलंपिक्स में गेम हो रही थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक एक जो अपने जो प्लेयर थे, जितने भी खिलाड़ी थे, उनके साथ सबके साथ उन्होंने बात की और उनको शाबाश दी और उनको गुड विशेस बोली। ऐसा ही नहीं बल्कि उन्होंने उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो माता पिता थे, जो उनके भाई बहन थे, उनसे भी बात करके तो उन्होंने उनके प्रोत्साहन को बढ़ाया और उनको उनको मतलब एक शाबाशी दी उनको। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि बेटा ये जो खेल एक ऐसी चीज़ है, ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों का सम्मान बढ़ता है, इससे मान सम्मान बढ़ता है, बच्चों की मानसिकता अच्छी होती है, उनका फिजिकल जो शरीर है वो उसमें मजबूती आती है। उसमें खेलें खेलने से, मैं बच्चों को समझा रहा था अभी कि खेलें खेलने से बच्चों को एक अलग किस्म की एक फुर्ती आती है और उसमें एक संवाद करने का एक उनमें से एक वो शौक बढ़ता है, अच्छी एक अच्छे चेहरे निकलते हैं और एक अच्छी एक मतलब देश की शान बनती है। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि हमारे कठुआ के बच्चे और ज़्यादा दिन रात दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, खेलों के मसले में आगे आए। जितनी भी किस्म की गेम्स हैं, हमारी क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, उनमें ज़्यादा हिस्सा लेकर अपने देश का नाम रोशन करें। तो यही कहते हुए मैं यहाँ के जो हमारे जिन्होंने जिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारे अजय शर्मा जी हैं, वो इसके कोऑर्डिनेटर हैं पूरे जम्मू कश्मीर के। ये जो एक क्लब है ये पूरी रजिस्टर्ड है ऑल इंडिया लेवल पे। तो इन सब को मैं बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे यहाँ पे आए हुए ये मजोत्रा जी हैं, सतपाल मजोत्रा जी, और यहाँ पर हमारे वो थे अर्पण जी साहल जी थे और हमारे कुलदीप सिंह जी थे और अपने मिस्टर बजरंगी जी थे। वो बड़े उन्होंने काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मैं उन सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप मीडिया की तरफ से आपको बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब ने यहाँ आके इसको कवर किया और बच्चों की हौसला अफजाई की। और मैं कहता हूँ इसी तरह से आप बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें और ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी और बड़ी खुशी की बात होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।